प्रोफेसर एसपी बंसल ने हिमाचल तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर का कुलपति का पदभार संभाल लिया है। सालों से तकनीकी विश्वविद्यालय को सरकार की ओर से ग्रांट नहीं मिलने पर विश्वविद्यालय के सारे काम रुके हुए थे। बंसल ने उम्मीद जताई है कि प्रदेश सरकार से जल्द ही 100 करोड़ की ग्रांट ली जाएगी ताकि रुके हुए कामों को पूरा किया जा सके। इस मौके पर अशोक कुमार धीमान, फाइनेंस ऑफिसर डॉक्टर बीपी पटियाल, डीन डॉक्टर एन शर्मा, सहायक कुलपति मौजूद रहे। प्रोफेसर बंसल ने कहा कि विश्वविद्यालय के लिए बेहतर तकनीकी शिक्षा, गुणवत्ता एवं बेहतर प्रबंधन उनकी प्राथमिकता रहेगी। आज अच्छा इंजीनियर बनने के लिए विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने की जरूरत है। इसके लिए एक कमेटी का गठन कर दिया गया है। विश्वविद्यालय के लिए ग्रांट प्राप्त करने के लिए सीएम एवं राज्यपाल से बात की गई है। प्रोफेसर बंसल ने कहा कि तकनीकी शिक्षा से बच्चों का रुझान कम होता जा रहा है और विश्वविद्यालय के 10 सालों में जो परिणाम सामने आ रहे थे वो नहीं आए हैं, जिससे विश्वविद्यालय के लिए आगामी दिनों में एक चुनौती बनी हुई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार से 100 करोड़ की ग्रांट मिलनी चाहिए ताकि विश्वविद्यालय का काम सुचारू रूप से चल सके। मैं आईआईएम अमृतसर का बोर्ड ऑफ गवर्नर में हूँ। हमने आईआईएम्स में भी देखा है कि बच्चे जो हम तैयार कर रहे हैं वो हम वी आर नॉट डेवलपिंग द बेस्ट माइंड्स, रेदर वी आर डेवलपिंग द बेस्ट ब्रेन्स, और इसलिए ब्रेन ड्रेन भी हो रहा है। अगर हम क्रीम तैयार कर रहे हैं तो वो बाहर जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कुछ एक इश्यूज हैं जो रियली वी हैव टू टेक इट अप। थोड़ा इस विश्वविद्यालय में मुझे ऐसा लगता है कि विश्वविद्यालय स्थापित हुए लगभग इसको 10 साल हो गए हैं। इन 10 सालों में अभी तक, क्योंकि एक जो कंसेप्ट यहाँ का दिया गया था कि ये MOU साइन हुआ था गवर्नमेंट के साथ कि ये सेल्फ फाइनेंसिंग लोन दिया गया था, लोन उतार दिया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि विश्वविद्यालय को एक्सपेंड करने के लिए, उसकी मैनेजमेंट ऑफ री हायर एजुकेशन के लिए, रीओरिएंटेशन ऑफ हायर एजुकेशन के लिए और क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन के लिए जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जितनी फैकल्टी चाहिए, उस तरह के रिसोर्सेज क्रिएट करने के लिए हमें गवर्नमेंट से वन टाइम कम से कम 200 करोड़ रुपए की ग्रांट चाहिए होगी और साथ में रेकरिंग ग्रांट चाहिए होगी, तभी हम इस विश्वविद्यालय को जो हम ग्लोबल लेवल पे पहुंचाना चाहते हैं वो चाह पाएंगे। अभी तक गवर्नमेंट से ग्रांट नहीं मिली है। एक विजन की बात क्या रहेगा जी? मुझे लगता है कि विश्वविद्यालय का अपना विजन होना चाहिए। हम शॉर्ट टर्म विजन 2 साल का भी बनाने जा रहे हैं, 5 साल का भी बनाने जा रहे हैं, 10 साल का भी बनाने जा रहे हैं। 10 साल बाद विश्वविद्यालय को कहाँ होना है? मुझे लगता है कि विश्वविद्यालय के अपने प्रायोरिटी एरिया हैं। हम यहाँ पर एक थीमेटिक एरिया पे इनक्यूबेशन सेंटर क्रिएट करेंगे। हम यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट सेंटर क्रिएट करने जा रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट सेंटर में हम कुछ एक स्किल और वोकेशनल कोर्सेज, छोटे छोटे सर्टिफिकेट कोर्सेज 3 महीने के, 6 महीने के और 1 साल के शुरू करने जा रहे हैं, ताकि हमारे जो एग्जिस्टिंग बच्चे हैं उनको भी फायदा हो और आसपास के और बच्चों को भी फायदा हो। सर, अब तक कैंपस नहीं मिल पाया,